Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. This is your English period and today we'll continue from our last lecture and it's about Mark Twain. पिछली दफा हमने देखा था कि मार्क ट्वेन कौन थे और उनकी एक कहानी का एनिमेटेड फॉर्म भी हमने देखा था जो बेस्ड है उनकी स्टोरीज सीरीज ऑफ स्टोरीज जो उनकी हैं टॉम सॉयर के मुतालिक. एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू विल सी सम एनेक्डोट्स फ्रॉम मार्क ट्वेन लाइफ. एनेक्डोट का मतलब हम आपको बता चुके हैं कुछ खास वाकयात किसी की जिंदगी से कुछ खास इवेंट जो खुशगवार भी हो सकते हैं और नाखुशगवार भी और जो इंसान की जिंदगी पर असर डालते हैं याद रह जाते हैं हम उन्हें एनेक्डोट्स कहते हैं. तो मार्क ट्वेन की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हैं इन्हें हम आज उनका मुताला करेंगे और पता चलेगा हमें उनके मुताले से कि सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कूट कूट कर भरा हुआ था मार्क ट्वेन में और यही सेंस ऑफ ह्यूमर उनके काम में झलकता है उनकी राइटिंग में हमें दिखाई देता है. तो आइए थोड़ा हम रिवाइज कर लें. हु वॉज मार्क ट्वेन एंड देन वील सी एनेक्डोट्स ऑफ एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज लाइफ. सो वील बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल. दिस इज द स्टोरी ऑफ मार्क ट्वेन. Mark Twain was the pen name of Samuel Langdon Clemens, a popular American writer, and he was famous for his humorous stories, novels, and other writings. And last time we also tried to learn about the story behind his पेन नेम कि उन्होंने अपना ये पेन नेम मार्क ट्वेन क्यों रखा था. और आज हम देखेंगे एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स किसे कहते हैं? अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट. तो हम मार्क ट्वेन के कुछ एनेक्डोट्स देखेंगे. फन फैक्ट हम देख चुके हैं मार्क ट्वेन का पेन नेम के बारे में. मार्क और ट्वेन दरअसल इट कम्स फ्रॉम अ रिवर बोट टर्म मेजरिंग द वॉटर्स डेप्थ पानी की गहराई नापने के लिए एक पैमाना था जिसे फैथॉम कहते हैं और 6 फीट का होता था एक फैथॉम और मार्क होता था कि यहाँ बोटिंग सेफ है. तो चूंकि मार्क ट्वेन एक ह्यूमरस राइटर हैं और इज वेरी ह्यूमरस ही वॉज वेरी ह्यूमरस एक्चुअली सो उन्होंने डबल किया उस मार्क को और कहा मार्क ट्वेन. ट्वेन यानी डबल. सो डबल द मार्क मतलब 6 फीट प्लस 6 फीट यानी 12 फीट. तो जितना ये इतना 12 फीट वाटर बहुत सेफ होता है रिवर बोट्स के लिए लिहाजा मार्क ट्वेन ने अपना पेन नेम यही रखा. असल नाम उनका सैमुअल लैंगडन क्लेमेंस था. अमेरिका से उनका ताल्लुक था. और आज हम आगे बढ़ते हैं. गिवन बिलो आर सम एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज लाइफ एंड सम कोटेशंस फ्रॉम हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स. सबसे पहले हम एनेक्डोट्स देखेंगे. एनेक्डोट्स का मतलब अब आपको पता है. द मीनिंग ऑफ एनेक्डोट्स इज अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट. और यहाँ हम किसके लाइफ के मुताबिक एनेक्डोट्स देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं? अबाउट मार्क ट्वेन. और इफ टाइम परमिट्स अस तो हम उनके कुछ नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज और उनकी स्पीचेस से कुछ अकवाल कुछ कोटेशंस भी देखेंगे. ठीक है. तो पहला हम वाकया पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं. वन डे ड्यूरिंग अ लेक्चर टूर Mark Twain entered a local barber shop for a shave. This, Twain told the barber, was his first visit to the town. क्या हुआ एक दफा वन डे एक दिन
ड्यूरिंग अ लेक्चर टूर, मार्क ट्वेन अलग अलग शहरों में लेक्चर्स के लिए जाते थे, उन्हें बुलाया जाता था। तो एक बार इसी तरह का उनका जब लेक्चर टूर था, तो लेक्चर से पहले मार्क ट्वेन ने सोचा कि थोड़ा मैं शेव कर लूं, दाढ़ी बना लूं। ही एंटर्ड, मार्क ट्वेन एंटर्ड अ लोकल बार्बर शॉप। बार्बर हजाम होता है, उसे हम बार्बर कहते हैं। तो एक लोकल उस इलाके का जो बार्बर था, उसकी शॉप में मार्क ट्वेन गए। काहे क्यों गए? Why he went then? For a shave. This Twain told the barber. अब जब शेव करने जाते हैं तो कब इंतजार करते हैं, वक्त लगता है, बार्बर से लोग बातचीत करते हैं। तो मार्क ट्वेन ने भी उस बार्बर से कहा कि दिस, यानी ये जो विजिट है मेरी, वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द टाउन, इस शहर में मेरी ये पहली विजिट है। तो बार्बर ने क्या कहा? You have chosen a good time to come. You have chosen. तुमने बहुत अच्छा इंतखाब किया वक्त का, a good time. ये बिल्कुल अच्छा सही वक्त है to come. इस इलाके में आने का जो फैसला तुमने किया, यहाँ आना जो तुमने मुंतखब किया, जो चूज किया, ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये बिल्कुल सही वक्त है यहाँ आने के लिए। ही डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड करना है, फैसला सुना दिया कि भाई तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो इस जगह पर। ओह, ट्वेन रिप्लाइड, मार्क ट्वेन को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कहेगा, तो उन्हें ताज्जुब हुआ। ओह, किसने कहा ये? ट्वेन ने रिप्लाइड किया। उनकी ओह सुनकर बार्बर ने क्या जवाब दिया? मार्क ट्वेन इज गोइंग टू लेक्चर हियर टुनाइट, You will want to go, I suppose. क्या कहा बार्बर ने? अपनी तरफ से उसने खबर दी, इत्तला दी। वो मार्क ट्वेन को शक्ल से नहीं पहचानता था। टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स जिसमें कैमराज हैं, हम तस्वीर निकाल कर फौरन एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं फेसबुक पर, या कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेकर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो In today's world, it's very easy to recognize people. आज के दौर में एक दूसरे को जानना बहुत आसान हो गया, because social media is so strong. लेकिन उस वक्त तो ये सब जराए नहीं थे। तो बार्बर जो है, उसने मार्क ट्वेन के बारे में सुना था, and he knew that Mark Twain is going to come tonight in his town for a lecture. But उसको ये नहीं पता था कि जिसका वो शेव कर रहा है, जिसकी दाढ़ी वो बना रहा है, वो मार्क ट्वेन ही है। उसने क्या कहा? तुमने बड़ा अच्छा वक्त मुंतखब किया है यहाँ आने के लिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मार्क ट्वेन इज गोइंग टू लेक्चर हियर टुनाइट, और मार्क ट्वेन यहाँ लेक्चर के लिए आने वाले हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई लेक्चर है, कोई कॉन्सर्ट है, किसी का कोई खास सिंगर का म्यूजिकल प्रोग्राम है, कोई आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस अगर किसी शहर में होता है, तो आसपास के शहरों से भी लोग आते हैं उस जगह, उस परफॉर्मेंस को देखने, उस लेक्चर को सुनने। वो फैंस होते हैं तो वो जरूर पहुंचते हैं। तो बार्बर को ऐसे लगा कि ये शख्स यहाँ आया है पहली दफा, और इस वक्त आया है तो यकीनन ये मार्क ट्वेन का लेक्चर सुनने आया होगा। तो मार्क ट्वेन इज गोइंग टू लेक्चर हियर टुनाइट, यू विल वांट टू गो आई सपोज। अब ये बार्बर जो होते हैं ना, बहुत खबरें इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बार्बर शॉप में बहुत सारी सिटी की खबरें आपको मिल जाएंगी। तो इसने भी कहा, इस बार्बर ने भी मार्क ट्वेन से कहा कि मार्क ट्वेन आज यहाँ लेक्चर देने वाले हैं, तुम जरूर जाना चाहोगे आई सपोज। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि तुम वहां जाना चाहोगे। तो मार्क ट्वेन ने क्या कहा इस पर? यह है वो बार्बर शॉप। मार्क ट्वेन ने कहा, I guess so. अब बार्बर खुद ही सारी बातें किए जा रहा है। उसने क्या कहा? Mark Twain is going to lecture here tonight. You will want to go, I suppose. I guess so. Mark Twain ने जवाब दिया, I guess so. ऐसा मैं समझता हूं कि हाँ, मैं वहां जाना चाहूंगा, इसका ये मतलब है। तो बार्बर ने कहा, हैव यू बॉट योर टिकट येट? येट यानी अभी तक। अब प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो शोज होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं।
रुपए देकर कीमत देकर खरीदे जाते हैं। तो बार्बर ने कहा, क्या तुमने टिकट अभी खरीद लिया है? हैव यू बॉट, बाय का पास्ट टेंस है बॉट, हैव यू बॉट योर टिकट येट, क्या अभी तक टिकट भी खरीदा है या नहीं? तो मार्क ट्वेन ने क्या जवाब दिया? नो, नॉट येट, नहीं, मैंने नहीं खरीदा। अब आपको और मुझे पता है इस एनेक्डोट्स के जरिए कि मार्क ट्वेन तो वो खुद हैं, उन्हें वहां टिकट की क्या जरूरत, वो तो इनवाइट किए गए हैं, बुलाए गए हैं। लेकिन बार्बर को नहीं पता कि जिनसे वो मार्क ट्वेन के शो की लेक्चर की बात कर रहा है वो दरअसल खुद मार्क ट्वेन है। तो जब उसे पता चला कि इस शख्स ने, ये शख्स मार्क ट्वेन का लेक्चर देखने का इरादा रखता है बट अभी तक उसने टिकट नहीं खरीदा, तो क्या कहा उसने? वेल, इट्स सोल्ड आउट, सारी बिक चुकी हैं टिकट्स, इट इज सोल्ड आउट, सो यू विल हैव टू स्टैंड। अब बैठ के तो तुम नहीं देख सकते, उनकी बातें नहीं सुन सकते मार्क ट्वेन की, यू विल हैव टू स्टैंड, अब तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा वहां। ट्वेन ने क्या कहा? जस्ट माय लक, मेरी किस्मत, सेड ट्वेन विद अ साई, एक नजर उस पर डाली और कहा जस्ट माय लक। और अगला जुमला जो है वो बड़ा मजेदार है जो ट्वेन ने कहा, I always have to stand when that fellow lectures. मुझे हमेशा खड़े रहना पड़ता है when that fellow किसे कहा? मार्क ट्वेन को, यानी अपने आप को कहा। लेकिन बार्बर के सामने ये नहीं कहा कि मैं ही मार्क ट्वेन हूँ, मैं ही लेक्चर देने वाला हूँ और जो लेक्चर देता है वो खड़ा रहता है। तो मार्क ट्वेन ने यहाँ अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए कहा, जब बार्बर ने बताया कि तुम टिकटें तो बिक चुकी होंगी अब तक, तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहकर लेक्चर सुनना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टैंड, तो मार्क ट्वेन ने कहा जब भी दैट फेलो, यानी जब भी वो मार्क ट्वेन लेक्चर देता है मुझे खड़े ही रहना पड़ता है। तो ये मजेदार किस्सा था, मार्क ट्वेन तो खुद ही थे और जब वो खड़े होकर ही लेक्चर देते थे तो जब भी उनका लेक्चर होता था उन्हें खड़े रहना पड़ता था और ऑडियंस बैठकर मजे से सुना करती थी। तो बार्बर की खबर उनके लिए कोई नई नहीं थी कि मार्क ट्वेन के लेक्चर में तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद मार्क ट्वेन थे और अपने लेक्चर वो खड़े होकर ही दिया करते थे। अब एक और दूसरा मजेदार किस्सा, सेकेंड एनेक्डोट्स हम देखते हैं। ये एक उनके घर की तस्वीर हमें मिली है, उनका फर्स्ट होम, मिस्टर एंड मिसेज कैलमेंस जो हैं, यानी मार्क ट्वेन और उनकी बीवी, और ये उनका पुराना घर न्यूयॉर्क का उनका ये घर है। तो एक वाकया उनके एक साथी से जुड़ा हुआ है, दोस्त से। मिसेस टो वॉज लीविंग फॉर फ्लोरिडा वन मॉर्निंग। अब ये उनके कोई पहचान वाले हैं, मिसेस टो, वो जा रही थी फ्लोरिडा एक सुबह, वन मॉर्निंग, एंड क्लेमेंस यानी द यंग मार्क ट्वेन, अब मार्क ट्वेन का असल नाम आपको पता है सेमोल लेंगोन क्लेमेंस, क्लेमेंस उनका सरनेम रहा। तो मिसेस टो जा रही थी फ्लोरिडा सुबह सुबह, और जब मार्क ट्वेन, ये बहुत उनकी जवानी का वाकया है, द यंग ट्वेन, पहले की बात है, रैन ओवर अर्ली टू से गुड बाय, और क्लेमेंस जल्दी जल्दी गए उनको गुड बाय कहने के लिए, किसे? मिसेस टो को, और जल्दबाजी में गए और गुड बाय कह के आ गए। ऑन हिज रिटर्न मिसेस क्लेमेंस रिगार्डेड हिम डिसअप्रूविंगली, डिसअप्रूविंगली यानी ज्यादा खुश नहीं थी वो। कौन खुश नहीं थी? मिसेस क्लेमेंस, मार्क ट्वेन की वाइफ, और उन्होंने रिगार्डेड यानी क्या कहा उनसे? Why? She said, you haven't on any collar and tie. अब जल्दी जल्दी गए थे मार्क ट्वेन, और उस दौर का लिबास होता था सूट पैंट, आप देखते ना शर्ट पैंट कोट, और जिस तरह आज आपने देखा होगा टाई बांधी जाती है, कॉलर कमीज पर होती है और टाई बांधी जाती है,
लेकिन आपको बताएं उस वक्त उस दौर में और अभी भी कॉलर के साथ टाई लगी हुई मिलती है। आप कॉलर लगा दें पीछे हुक से बटन से तो ऐसे लगेगा कि आपने कॉलर कमीज के साथ ही है और टाई भी लगी हुई है। तो जल्दी में गए थे मार्क ट्वेन, इसलिए कॉलर और टाई पहनना भूल गए थे। तो ताना देते हुए कहा उनकी बीवी ने, व्हाई यू हैवंट ऑन एनी कॉलर एंड टाई, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिबास में कोई कॉलर एंड टाई क्यों नहीं है? मार्क ट्वेन ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बट वेंट अप टू हिज रूम, वो अपने रूम में गए, डिड अप दीज आइटम्स इन अ नीट पैकेज, एक बॉक्स में दीज आइटम्स यानी जिनकी बात उनकी बीवी ने कही थी, यानी कॉलर एंड टाई, एंड सेंट इट ओवर टू मिसेस टो बाय अ सर्वेंट विथ अ लाइन, हियरविथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी। क्या कहा उन्होंने? एक सेंटेंस लिखा, अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा, और कहा हियरविथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी। रेस्ट ऑफ मी यानी जब मैं आया था तो ये कॉलर और टाई मुझ पर नहीं थी, यानी मैं अधूरा आया था आपके पास, और ये लीजिए अब मेरा आधा हिस्सा जो है वो मैं भेज रहा हूं। ये दरअसल उनकी बीवी की बात का जवाब था उनकी तरफ से कि कपड़े ही जो है वो शख्सियत नहीं होते। कभी कभी हम ऐसा है कि बाहरी दिखावे में असल मजा असल इवेंट को खो देते हैं। तैयारी 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 में फंक्शन में इतना देर पहुंचते हैं कि फंक्शन खत्म हो चुका होता है। यहां भी जल्दबाजी में गए थे, कॉलर और टाई नहीं पहनी थी, लेकिन जब उनकी बीवी ने डिसअप्रूविंग किया, इस बात को पसंद नहीं किया, तो उन्होंने तंजिया तौर पर मिसेस टो को अपना कॉलर और टाई भेजा। ये देखें, ये है मार्क ट्वेन अपने कमरे में, बड़े अच्छे से उन्होंने इस तरह कॉलर एंड टाई ऐसे पहले मिला करते थे, कॉलर के साथ टाई लगी होती थी और सिर्फ इसे गले में इस तरह लगा देना होता था। तो उन्होंने कहा ये लीजिए ये मेरा आधा हिस्सा बकिया हिस्सा। तो उन्होंने इस तरह ये बताने की कोशिश की है कि ये लिबास ही इंसान की शख्सियत नहीं है। इंसान खुद क्या सोचता है, व्हाट ही थिंक्स व्हाट ही डज इज दैट इम्पोर्टेंट। अगर वो ये तैयारी में लगे रहते तो हो सकता है मिसेस स्टो फ्लोरिडा के लिए निकल भी जाती। तो इस तरह उन्होंने हंसते हंसते लोगों की इस जहनीयत की तरफ इशारा किया है। अब देखते हैं तीसरा एनेक्डॉट। One day, during his lecture as the editor of a small Missouri newspaper, Mark Twain received a letter from a reader who had found a spider in his paper. He wondered whether this portended good or bad luck. एक दिन क्या हुआ? One day, during his tenure, उनका दौर, उनका period, जैसे कहीं हम काम करते हैं, फर्ज कीजिए कि कोई शख्स 1 जनवरी 2017 से लेकर 28 अगस्त, यानी कल तक 28 अगस्त सन 2019 तक किसी जगह काम करता था, तो हम कहेंगे ये उसका टेन्योर था, ये उतना पीरियड उतना अरसा। तो एक दिन वन डे ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द एडिटर, न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं जिन पर न्यूज़पेपर में खबी छपरों की जिम्मेदारी होती है, मुदीर हम कहते हैं उर्दू में इसे, एडिटर इन चीफ भी होते हैं मुदीर आला। तो एक दफा जब वो एक मिसूरी, एक स्टेट है आपको पता है मिसूरी इज अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो मिसूरी के एक न्यूज़पेपर में, एक स्मॉल न्यूज़पेपर में जब वो एडिटर के तौर पर तानियात थे या उनका जो टेन्योर था, मार्क ट्वेन रिसीव्ड अ लेटर, मार्क ट्वेन को एक खत मिला, ही रिसीव्ड अ लेटर, किससे लेटर मिला? फ्रॉम अ रीडर, एक कारी जो था, जो एक पढ़ने वाला न्यूज़पेपर जो उनका पढ़ा करता था, एक रीडर उसे हम कहते हैं, हु हैड फाउंड
स्पाइडर इन हिज पेपर, और उस कारी को अखबार में, जो अखबार जिसके के एडिटर थे मार्क ट्वेन, क्या मिला? एक स्पाइडर, मकड़ी मिली, और वो वंडर्ड, अब वो सोच में पड़ गया वेदर दिस पोर्टेंडेड, पोर्टेंडेड यानी इंडिकेशन, ये किस बात की निशानी है, पेशन गोई है, किस बात को ये जाहिर कर रहा है मकड़ी का पेपर में मिलना। ही वंडर्ड, वंडर्ड थोड़ा वो ताज्जुब में था वेदर दिस पोर्टेंडेड अ गुड और बैड लक, अब ये अच्छा लक है, गुड लक है मेरे लिए, बैड लक है। देखें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में भी हमें बहुत सारे ऐसे वहम नजर आते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे सुपरस्टिशियस हैं कि भाई जाते वक्त कोई पीछे से आवाज ना दे तो डांटते हैं कि भाई डोंट कॉल मी फ्रॉम द बैक, फिर कहते हैं कि अगर ब्लैक कैट पासिस फ्रॉम योर फ्रंट तो वो काम नहीं होगा, अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए, ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे सुपरस्टिशियस हैं। तो उस रीडर को भी दिमाग में बहुत सारे ऐसे वहम थे, तो व्हाट ही सेड, ही वंडर्ड वेदर दिस पोर्टेंडेड गुड और बैड लक, ये खुशकिस्मती है मेरी या बदकिस्मती, ये उसने पूछा मार्क ट्वेन से। टेन्योर, टाइम, टर्म इन द ऑफिस, पोर्टेंडेड, बी अ साइन और वार्निंग और फोरटेल। अब ये देखें मिसोरी, हमने आपको बताया था ये मार्क ट्वेन एडिटर और एक खत का मिलना और उसने बताना। अब आप सोच सकते हैं कैसे भी आ गई होगी मकड़ी, अखबार वाला कहाँ करता है, दरवाजे पे ड्रॉप करके जाता है, दरवाजे या खिड़की में कहीं लगा देते हैं, तो मकड़ी अखबार में दाखिल हो गई होगी और जब उसने खोला तो उसे मकड़ी दिखी। अब इसका गुड लक और बैड लक से कोई ताल्लुक है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि इट हैज नथिंग टू डू विद गुड और बैड लक, लेकिन अब वो रीडर को कुछ तो जवाब देना था और जवाब भी किसका था, मार्क ट्वेन का। ट्वेन ने क्या जवाब दिया उस रीडर को? फाइंडिंग अ स्पाइडर इन योर पेपर, ट्वेन रिप्लाइड, इज नीदर गुड लक नॉर बैड। क्या कहा? ना तो ये गुड लक है ना ये बैड लक है। The spider was merely looking over our paper to see which merchant was not advertising so that he could go to that store, spin his web across the door and lead a life of undisturbed peace ever afterward. मजा लिया मार्क ट्वेन ने, उसे थोड़ा सा डराया। अब आपको पता है अखबारात की जो इनकम होती है अखबार फरोख्त करने से तो होती है, मगर बड़ी इनकम होती है अखबारात में जो एडवर्टाइजमेंट शाये होती हैं, जो इश्तेहारात शाये होते हैं, उससे अखबार को मुनाफा होता है, इनकम मिलती है। तो मार्क ट्वेन ने कैसे डराया उसे? फाइंडिंग अ स्पाइडर, तुम्हारे उसमें जो स्पाइडर मिली, जो मकड़ी मिली, ये ना तो गुड लक है ना तो बैड लक है। जो स्पाइडर तुम्हारे अखबार में आई वो सिर्फ तुमको ये बताने के लिए आई, वो ये देखने के लिए आई, द स्पाइडर वॉज मेयरली लुकिंग ओवर आर पेपर, वो हमारे सिर्फ पेपर में देख रही थी, विच मर्चेंट, मर्चेंट यानी ताजिर, विच मर्चेंट वॉज नॉट एडवर्टाइजिंग, कौन मर्चेंट है जो इस पेपर में एडवर्टाइज नहीं कर रहा, सो दैट ही कुड गो टू दैट स्टोर, तो क्या करेगी वो, उस स्टोर में जाएगी, स्पिन हिज वेब, देख रहे मकड़ी का जाला, कभी मकड़ी को जाला बुनते हुए देखा है, उसे वेब कहते हैं। और जहां बहुत सारे मकड़ी के जाले होते हैं हमको पता होता है कि ये चीज, यहाँ कोई इंसान नहीं आया, किसी का हाथ नहीं पहुंचा, या ये जगह बहुत दिनों से बंद है, क्योंकि मकड़ी के जाले इतने नाजुक होते हैं, द मिनट यू टच देम वो खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मार्क ट्वेन ने कहा पढ़ने आई थी अखबार में कि कौन यहाँ एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, so that he could go to that store, तो फिर वो वहां उस स्टोर में जाएगी, spin his web across the door, दरवाजे के चारों तरफ spin, spin करना, बुनना, क्या बुनना, web, मकड़ी के जाले को क्या कहते हैं, web, आपने देखा होगा हमारा जो एड्रेस होता है, आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं, उस पे www लिखा होता है, इंटरनेट पे आपने अक्सर देखा होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब,
ये इंटरनेट का जाल ही तो है, तो वेब का मतलब यहाँ जाल और ये मकड़ी का जाल. He could go to that store, spin the web across the door, and lead a life of undisturbed peace ever afterwards. और फिर वो वहां हमेशा रहेगी, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि जो मर्चेंट एडवर्टाइज नहीं करता उसका तिजारत भी कम हो जाएगी. तो अच्छा है कि उसकी दुकान में जाके घर कर लो, बसेरा कर लो, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, और वो बड़े आराम से पीस से वहां हमेशा एवर आफ्टर वर्ड हमेशा वहां पीसफुल रह सकती है. तो असल में ऐसा था कि नहीं, मार्क ट्वेन ने उन्हें डराने की कोशिश की थी. अब एक और एनेक्डॉट देखते हैं. मार्क ट्वेन्स बर्थ इन नवंबर 1835 वाज हेराल्डेड बाय अ रिटर्न ऑफ हेलेस कॉमेट. अब मार्क ट्वेन की जो पैदाइश थी नवंबर 1835, इसके साथ इस तारीख पर एक अहम वाक्य और हुआ था हेराल्डेड, उसके साथ जुड़ी हुई एक कहानी है. हेलेस कॉमेट नजर आया था. ट्वेन हेलेस कॉमेट क्या, वो हम आपको बताते हैं अभी. ट्वेन हु ऑफन रिमार्क्ड अपॉन हिज क्यूरियोसिटी came to think of himself and the comet as unaccountable freaks, cosmically linked, having come in together. He declared that they would go out together. अब हेलेस कॉमेट ये देख रहे हैं आप. A comet is a small icy object that orbits the sun and has a long tail. ये आपने देखा है धुंधार सयारा. और कुछ कॉमेट्स जो हैं वो हमें कुछ सालों बाद दिखाई देते हैं, और कुछ कॉमेट्स तो इंसान की जिंदगी में उसको एक ही बार दिखाई देते हैं. और ये कॉमेट जो दोबारा दिखा तो, और ये कॉमेट्स होते हैं आइस डस्ट, छोटे छोटे पहाड़ी और पत्थर के टुकड़ों से बने होते हैं. तो ये हेलेस कॉमेट जो है एक फेमस कॉमेट था, और ये हर 75 साल में दिखाई देता है. इसका मतलब एक इंसान जिसने अगर तवील उम्र पाई 75 साल से ज्यादा, तो उसको अपनी जिंदगी में दो बार हेलेस कॉमेट दिखाई देगा. तो जब मार्क ट्वेन को हेलेस कॉमेट उनकी पैदाइश के वक्त दिखा, तो उन्होंने कहा देखो ये दो कॉमेट्स एक साथ आए हैं और एक साथ जाएंगे. और इत्तेफाक की बात ये है कि Twain was proven right. On the night of his death in April 1910, Halley's Comet एक बार फिर दिखाई दिया आसमान में. तो कभी कभी कहीं भी बातें भी सच हो जाती हैं. तो ये थे कुछ anecdotes Mark Twain के बारे में. उनकी किताबों के नाम हैं The Two Innocents Abroad. मुख्तलिफ औकात में शाये हुई हैं ये अलग अलग वक्त पर. कहानियों का उनका मजमुआ रिवर बॉय, आई एम नॉट अ बोट, आई एम ऑन अ बोट, और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. इसके अलावा मार्क ट्वेन के कुछ अकवाल भी हैं, द विट एंड विजडम ऑफ मार्क ट्वेन, और उनकी बच्चों में मकबूल सीरीज हैं टॉम सॉयर की, जिसकी कहानी हमने पिछली बार भी देखी थी. तो आइए अब कुछ मार्क ट्वेन के फेवरेट कोट्स पर नजर डालते हैं. इन अक्वाल को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी वक्तन फवक्तन जरूरतन इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत अच्छा और बहुत ही मशहूर कोट है मार्क ट्वेन का, और देखें कितनी गहरी सोच है इसमें. द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड. क्या कह रहे हैं, इसका लफ्जी मतलब तो यह है कि जो राज है, किस बात का राज, आगे बढ़ने का, गेटिंग अहेड, आगे बढ़ते रहने का, तरक्की का राज क्या है, इज गेटिंग स्टार्टेड. लफ्जों से खेलने की कोशिश की है यहाँ पर, गेटिंग अहेड की मुनासिबत से लिखा है गेटिंग स्टार्टेड. तो आगे बढ़ने का राज है शुरू तो करो, शुरू करना, यानी सिर्फ सोचते नहीं रहना,
बस काम करने लगो। कभी अम्मी तो आपने सोचा कि घर में बड़ी सफाई करनी, अरे बाप रे हाउ कैन आई डू दिस, इतना सारा काम मैं कैसे करूंगा या करूंगी। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं तो आगे 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 काम होता चला जाता है और देखते देखते आप पूरा घर साफ कर लेते हैं। तो दस कभी पढ़ाई के वक्त आप सोचते हैं कि ओ सो मेनी लेसन्स, हाउ एम आई गोइंग टू स्टडी देम। फिर आप सोचते हैं चलो स्टार्ट तो करते हैं, और देखते ही देखते सारे लेसन आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। फिर एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डेज यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। ये मजाइया कोट है। उन्होंने कहा दो इंपॉर्टेंट दिन है हर इंसान की जिंदगी में, एक तो वो दिन जब आप पैदा हुए, और दूसरा दिन कौन सा? वो दिन जब आपको ये पता चल जाए कि आप क्यों पैदा हुए, आपके जिंदा रहने का, दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम आ गए, पैदा हो गए और बस हम बगैर किसी मकसद के जिंदा रहे और एक दिन मर गए, ऐसा ना हो। जिस दिन आपको अपनी जिंदगी का मकसद पता चलेगा वो दिन आपकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट दिन होगा, आपकी पैदाइश के दिन के बाद। फिर एक और कोट है मार्क ट्वेन का जो आपकी दर्सी किताब में भी दिया हुआ है, अप्रैल फूल्स डे। हम कई लोग मनाते हैं अप्रैल फूल्स डे, पहली अप्रैल को किसी को बेवकूफ बना दिया और कह दिया अप्रैल फूल। तो अप्रैल फूल्स डे के मुतालिक कहते हैं, दिस इज द डे अपॉन विच वी आर रिमाइंडेड ऑफ व्हाट वी आर ऑन द अदर 364 डेज। तो 365 दिन होते हैं साल में, तो अप्रैल फूल्स डे पर निशाना लगाते हुए कहा मार्क ट्वेन ने कि ये वो दिन है जब हम एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं जो हम आगे के बाकी के 364 दिन हैं, यानी हम अप्रैल फूल्स डे के दिन एक दूसरे को फूल बनाते हैं और ये रिमाइंड कराते हैं कि जो बाकी 364 दिन बचे हैं, 364 डेज, उसमें हम क्या हैं, यानी हम क्या हैं, फूल हैं, ये हम अप्रैल फूल्स डे पे याद कराते हैं। एक बार मार्क ट्वेन ने कहा था, अ मैन के नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एक इंसान उस वक्त तक सुकून, आराम, कंफर्टेबल नहीं रह सकता जब तक कि उसकी मर्जी ना हो। इसके कई मानी आप ले सकते हैं, मतलब अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी पर इन्हिसार करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग खुश रहेंगे, कई अमीरों को हम देखते हैं जो दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वही खुश हैं, सुकून में नहीं। तो ये जो खुशी, ये कंफर्ट, ये सुकून, ये हमारे अपने अंदर है। हम इसको अप्रूव करेंगे, हम खुद महसूस कर सकते हैं कि हम कंफर्टेबल है या नहीं। तो मैन कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। अप्रूवल यानी किसी की मर्जी, इजाजत। दरअसल लफ्ज अप्रूवल का मतलब है इजाजत। तो हमें खुश रहने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए किसी दूसरे की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसकी एक मिसाल आपको बताएं, कभी आप कोई कपड़ा खरीदने गए, जूता खरीदने गए, तो कोई दूसरा वो जूता पहनकर कैसे बताएगा कि ये आपके लिए आरामदेह है या नहीं? आपकी इजाजत, आपका अप्रूवल चाहिए। आप जब तक वो जूते नहीं पहनेंगे, यू हैव टू वेयर देम, यू हैव टू ट्राई देम, नॉट ओनली शूज बट इवन क्लोथ्स, एंड वी डू दिस। हम पहन के देखते हैं, जब आप गर्दन हिलाते हैं अपने अम्मी अब्बा को, हाँ ये ठीक है, दो चार पांच दस जोड़ी पहनने के बाद एक अप्रूव करते हैं, ये आपका अप्रूवल होता है कि ये जूता मेरे लिए कंफर्टेबल है। और यही बात अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन हमारी जिंदगी में लागू होती है कि हम अपनी जिंदगी में कितना कंफर्टेबल हैं। इसके लिए कोई और की इजाजत की जरूरत नहीं, किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं, वी नीड आवर ओन अप्रूवल। वक्त हमारा हो गया, एक और कोट देख लेते हैं। बी केयरलेस इन योर ड्रेस इफ यू विल बट कीप अ टाइडी सोल। जैसे अभी हमने देखा ना एनेक्डॉट में कि वो जल्दी जल्दी में गए थे कॉलर और टाई लगाए बगैर। बी केयरलेस इन योर ड्रेस इफ यू विल। आप अपने ड्रेस के बारे में केयरफुल रह सकते हैं। अगर आप इतने अप टू डेट नहीं रहना चाहते हर वक्त, तो आप केयरलेस ड्रेस के बारे में रहिए, कोई बात नहीं। बट
keep a tidy soul. Tidy यानी clean, साफ, पाक, soul यानी रूह. लेकिन आपकी रूह कभी गंदी नहीं होनी चाहिए. आपके कपड़े कैसे भी हों, मगर आपका रूह, आप अंदर से जो है वो बहुत ही प्योर होने चाहिए, पाक होने चाहिए, टाइडी होने चाहिए. कपड़े तो जाहिर है, आपका बातिन अच्छा होना चाहिए. ये इस कॉल का मतलब है. सो ये थे मार्क ट्वेन के इस अकवाल. इनके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर कोट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. प्लीज डू रीड देम. और आपके लिए सरगर्मी है कि इन कोट्स को आप बड़े डेकोरेटिव स्टाइल में लिखिए चार्ट पेपर, मार्कर पेन की मदद से, और स्कूल में इजाजत लेकर उसे दीवार पर चस्पा कीजिए, दीवार पर लगाइए, स्कूल को डेकोरेट कीजिए ताकि दूसरे लोग भी पढ़ें और कुछ उससे सबक हासिल करें. आज के लिए इतना ही. विल मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. टिल देन अस्सलाम वालेकुम.